Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 11 in the series of your subject research tools and techniques. This is basically the research process step number 6. So we are covering the research process in the manner that we had started with broad problem area, then we came to preliminary data gathering, then we covered problem definition, then the theoretical framework, and then the hypothesis formulation in the last chapter. So that is basically how we are moving along. This basically chapter or this lecture is about the research design, how you design your research after you have completed your hypothesization process. So the hypotheses were covered last time, where we had seen the hypothesis development, what is meant by hypothesis, what are the null and alternate hypotheses, also the hypothesis formation statements, if-then statements, directional and non-directional hypothesis. So today again we are going to see the four types of research according to the purpose of the study. In the first thing we are going to cover in this scheme of study is the four types of research according to the purpose of the study. So इसके अंदर जो है research design का पहला topic हम लोग करेंगे, फिर हम लोग अगर time मिला तो type of investigation भी देखेंगे, causal versus correlational. तो ये जो है research design के दो topics पढ़ने की कोशिश करेंगे. शुरू में देखेंगे कि research design होता क्या है, ये step होता क्या है, और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे. Right, तो हम शुरू करते हैं. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस फॉर्मूलेशन के जो स्टेप्स थे उसमें टेबल के को हम कैसे पढ़ते हैं, टेबल रीड करने का क्या तरीका कार है. मैंने एक ज़बानी तौर पे आपको बता दिया था. अब आप देख सकते हो आपके सामने काय स्क्वायर टेबल है. इसके अंदर जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जो का पहला कॉलम है, उसके बाद जो कॉलम्स हैं वो सारे के सारे आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लार्जर वैल्यू ऑफ काय स्क्वायर के अंदर आप देख सकते हो इसकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है. तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जो आखिरी दो लाइनें हैं, दो कॉलम्स हैं, 0.05 और 0.01, इसके अंदर जो है हम लोग जाके देखते हैं, रीड आउट करते हैं, और फिर उसकी मदद से हम लोग अपने नल या नल को रिजेक्ट करते हैं और अल्टरनेट को एक्सेप्ट करते हैं. इस तरीके से जो है वो काय स्क्वायर का टेबल या टेबल हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए देखा जाता है. मगर ये तब होता है, ये रिसर्च डिज़ाइन के बाद जब हमारे पास रिसर्च के रिजल्ट्स आ जाते हैं, उस वक्त हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए काय स्क्वायर या कोई और दीगर टेबल हम देख सकते हैं. ये तमाम चीज़ें आपको आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाई जाएंगी, मगर आई वांटेड टू शो यू एन एग्जांपल के जो स्टैटिस्टिकल टेबल्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, और फिर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में जाके, फॉर एग्जांपल 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपका जो है वो रिसर्च के अंदर आए हैं. काय स्क्वायर के टेबल इस तरीके से बना है, उसके 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकले हैं. ये तमाम चीज़ें हम जो है लास्ट स्टेप के अंदर देखेंगे. इधर आपके 7 निकले तो फिर आपने 0.05, अगर आपने जो है अल्फा का वैल्यू की वैल्यू 0.05 रखी है तो आप 7 के साथ 0.05 की वैल्यू देखोगे, ये है 14.07. तो 14.07 से अगर जो है हमारे जो काय स्क्वायर की वैल्यू है वो अगर ज़्यादा होगी तो फिर जो है वो देयर वुड बी
रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग बिटवीन द टू वेरिएबल्स. अदरवाइज हम लोग जो है वो हम नल को एक्सेप्ट करेंगे और अल्टरनेट को रिजेक्ट करेंगे. तो ये इजाफी चीज़ है जो कि मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बताना चाहता था. आई हैव टोल्ड यू कि इस तरीके से हम लोग जो है आखिर में आखिरी स्टेप में जाके टेबल कंसल्ट करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रिसर्च प्रोसेस. रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से जो है हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं. अब आप देख सकते हो इस स्लाइड के ऊपर कि हम लोग स्टेप नंबर 6 के ऊपर यानी साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन के ऊपर आ गए हैं. और आगे वाले बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो रिसर्च डिजाइन के ऊपर हैं. ये एक नहायत ही अहम जो है वो आपका टॉपिक है. तो हमारे पास यहां तक जो है जो हमने कवर किया, हमने हाइपोथेसिस बना लिए, हमने रिसर्च प्रोसेस के अंदर हाइपोथेसिस कवर कर लिए, किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से एक प्रिलिमिनरी तौर पे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया कि इनकी जो है वो टेस्टिंग किस तरीके से होती है. यहां पे अब जो है हमने साइंटिफिक डाटा गैदर करना है और उसके लिए एक अच्छे रिसर्च डिजाइन की जरूरत है. तो रिसर्च डिजाइन जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स पे मुहित है. देर आर वेरियस एलिमेंट्स इन इट. एटलीस्ट 10 ऑफ देम आर मेंशनड ओवर हेयर. दीज 10 एलिमेंट्स फॉर्म दी बेसिस ऑफ रिसर्च डिजाइन. ये तमाम एलिमेंट्स हम लोगों ने बारी बारी पढ़ने होंगे. वी नीड टू क्लैरिफाई ईच एंड एवरी एलिमेंट बिफोर वी प्रोसीड फॉर डेटा गैदरिंग. तो जो है वो अब क्वांटिटेटिव डेटा गैदरिंग करनी है हमने हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए. उसको जो है या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फर्दर साइंटिफिक डेटा गैदरिंग. और उससे पहले का ये स्टेप है हमने रिसर्च डिजाइन बनाना है कि हमने क्वांटिटेटिव डेटा कैसे गैदर करना है. इस स्लाइड के अंदर व्हाट यू हैव बीन शोन इज, जहां तक फर्स्ट एलिमेंट की बात है आपकी रिसर्च डिजाइन की, दैट इज पर्पस ऑफ स्टडी. मैंने पहले भी इस लेक्चर के आगाज में आपसे कहा था कि हम लोग जो है वो पर्पस ऑफ स्टडी की चार टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में. यानी कि पहला एलिमेंट जो कि है पर्पस ऑफ स्टडी, ये आपका कंप्लीट होगा. जब भी हमने साइंटिफिक डाटा गैदरिंग करनी है, यानी कि हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए डाटा हम लोगों ने जाकर फील्ड में गैदर करना है क्वांटिटेटिव डाटा, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी रिसर्च की टाइप क्या है. हम लोग पहले कुछ लेक्चर्स में इसकी बात कर चुके हैं कि रिसर्च जो है वो बहुत ब्रॉडर सेंस के अंदर दो तरह की होती है. एक रिसर्च होती है अप्लाइड रिसर्च, दूसरी होती है बेसिक रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च जो मसाइल एक मैनेजर या रिसर्चर को आते हैं, फौरी हल तलब होते हैं, वी नीड दी आंसर्स फॉर इट इन इन ए मोमेंट, इन इन सम लिटिल टाइम, बिकॉज वी नीड टू, हमने हल करना होता है उस मसले को. तो वो अप्लाइड रिसर्च होती है. और बेसिक रिसर्च वो होती है जिसके लिए हम अपने नॉलेज में इजाफा कर रहे होते हैं, उसके लिए हम आंसर तलाश कर रहे होते हैं. तो ब्रॉडर सेंस के अंदर रिसर्च की दो टाइप्स हैं, मगर इसकी मजीद चार किस्में हैं पर्पस के लिहाज से. और वो पर्पस के लिहाज से किसमें कौन कौन सी है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड केस स्टडी. चार किस्में हैं रिसर्च की पर्पस के लिहाज से, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड केस स्टडी. अब हम व्हाई वी आर कवरिंग दीज जो स्टडी टाइप्स हैं वो हम यहाँ पे सिक्स स्टेप में आके हम क्यों कर रहे हैं, ये सवाल उठता है. हमने ये टाइप्स जो है वो अप्लाइड और बेसिक रिसर्च के साथ ही हमने क्यों नहीं पढ़ ली. इसका जवाब ये है कि अब क्योंकि चारों जो टाइप्स हैं रिसर्च की पर्पस के लिहाज से इन सब का डिज़ाइन अलहदा अलहदा बनता है, लिहाजा हम यहाँ पे इनको कवर करेंगे. पर्पस के लिहाज से हमें पता होना चाहिए कि हमारी रिसर्च जो है वो कौन से कैटेगरी में फॉर्म कर रही है.
लिहाजा जो है ये आपका पहला एलिमेंट होगा रिसर्च डिजाइन का। दूसरा एलिमेंट जो यहाँ पे मौजूद है वो है टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से रिसर्च की कम से कम दो इकसाम है, दो टाइप्स है। कॉजल स्टडी जिसके अंदर हम लोग जो है वो ये कहते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे को कॉज कर रहा है। कॉजल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना को रिलेशनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने से मुख्तलिफ है। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टडी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक है कॉजल स्टडी, दूसरी है कोरिलेशनल। कॉजल स्टडी वो स्टडी होती है जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपकी तबीयत खराब हो रही है वो कैंसर के पाइस है, तो कैंसर की वजह से पेन होता है। कैंसर कॉजेस पेन वेन एवर इट अकर्स। तो हम लोग कॉज जो है वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसके लिए हमें ज्यादा तगोदो करनी पड़ती है कोरिलेशनल स्टडी से। कोरिलेशनल क्या है कि एक वेरिएबल के बढ़ने की वजह से दूसरा वेरिएबल या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो एस्टेब्लिश नहीं होता। ऐसी स्टडी जो है वो कोरिलेशनल स्टडी कहलाती है। ये जो है ये दूसरा एलिमेंट है और इन दोनों में वाज़े फर्क है। इन दोनों का डिज़ाइन मुख्तलिफ तरीके से बनता है, लिहाजा हम लोग टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें देखेंगे। कॉजल स्टडी में भी हाइपोथेसिस बनाते हैं और कोरिलेशनल स्टडी में भी हाइपोथेसिस बनाते हैं, मगर दोनों की स्टेटमेंट्स जो है वो मुख्तलिफ होती हैं और दोनों का आगे रिसर्च डिज़ाइन भी मुख्तलिफ तरीके से बनता है। तीसरा एलिमेंट है एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इंटरफेरेंस। एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इंटरफेरेंस वो एलिमेंट है जिसके अंदर हम जब रिसर्च के लिए निकलते हैं यानी डाटा गैदरिंग के लिए निकलते हैं तो क्या हम एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं या नहीं करते हैं। तो जब हम एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं यानी कि हमारा इंटरफेरेंस जो है वो मॉडरेट और एक्सेसिव होता है, इसका ये मतलब होता है कि हम लोग जो है एनवायरनमेंट में वाजे चेंजेस ला रहे हैं और फिर डाटा गैदर कर रहे हैं। जबकि मिनिमल इंटरफेरेंस का मतलब है कि रिसर्चर जो है जब रेस्पोंडेंट के पास जाता है तो रोजमर्रा के कामों में बहुत ज़्यादा मुदाखलत नहीं करता है और जो उसने डाटा गैदरिंग करनी होती है वो करता है और अपने सवालों के जवाब लेके आ जाता है। तो रिसर्चर जो है वो कितना इंटरफेयर करता है, मिनिमल इंटरफेरेंस होती है कोरिलेशनल स्टडी में, जबकि मॉडरेट और एक्सेसिव इंटरफेरेंस आपको कॉजल स्टडी में करनी पड़ती है। लिहाजा ये भी रिसर्च डिजाइन का एक एलिमेंट है। चौथा एलिमेंट है हमारे पास स्टडी सेटिंग, कॉन्ट्राइव्ड एंड नॉन कॉन्ट्राइव्ड। ये जब हम लोग पढ़ेंगे इस पे बात होगी। ये भी स्टडी सेटिंग जो है वो क्या आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में हमने डाटा गैदर किया यानी कि लैब एनवायरनमेंट में, और नॉन कॉन्ट्राइव्ड यानी कि हम लोगों ने जैसे एनवायरनमेंट थी उसको चेंज नहीं किया और जाके डाटा गैदर कर लिया। ये जो है ये एलिमेंट हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, मजीद देखेंगे। कॉन्ट्राइव्ड का मतलब होता है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट एंड नॉन कॉन्ट्राइव्ड का मतलब है कि डाटा जो गैदरिंग हुई है वो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर हुई है। मॉडरेट और एक्सेसिव एनवायरनमेंट्स या मॉडरेट और एक्सेसिव इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस है जब हम कोई लैब सेटिंग करते हैं, कुछ आर्टिफिशियल जो है वो आर्टिफिशियलिटी लेके आते हैं। तो एक्सेसिव जो आपकी इंटरफेरेंस होती है वो कॉन्ट्राइव्ड स्टडी सेटिंग के अंदर होती है, जबकि आपकी जो नॉन कॉन्ट्राइव्ड स्टडी सेटिंग्स हैं वो मिनिमल उधर मिनिमल इंटरफेरेंस होती है। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास नंबर 5 पे मेजरमेंट एंड मेजर्स। अब हमने जो है हमें पता चल गया स्टेप नंबर 4 के ऊपर जो हमने यहाँ पे पढ़ा थ्योरी फॉर्मुलेशन के ऊपर, हमने वेरिएबल्स को एक डायग्राम की सूरत में सजा लिया, हमने जो है वो उनकी तस्वीर कशी कर ली।
अब उन वेरिएबल्स की मैयरमेंट की बारी आती है हाइपोथेसिस यानी के स्टेप नंबर 5 बनाने के बाद हमने उन वेरिएबल्स को मैयर कैसे करना है। फॉर एग्जांपल नॉइज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज। अगर ये एक हाइपोथेसिस बनाया है तो नॉइज को भी हमें मैयर करना पड़ेगा और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को भी मैयर करना पड़ेगा। किस तरीके से हम इनकी मैयरमेंट करेंगे? नॉइस को हम जो है वो डेसिबल्स के जरिए से मैयर करेंगे और कोई आला फिट करेंगे जिससे हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर लोगों से जो है वो उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे कि वो आवाज़ जो है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो कितनी है। और हम लोग जो है इसके अलावा वर्कर प्रोडक्टिविटी भी मैयर करेंगे किसी तरीके से कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एरर्स मेड बाय देम एंड नंबर ऑफ वर्क डन बाय देम। तो ये जो है वो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है हमें मैयर अप हो जाएगी। इसी तरीके से मोटिवेशन कॉजेज इंक्रीज इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। अगर कुछ ऐसा हाइपोथेसिस है तो फिर हमें एम्प्लॉय मोटिवेशन को भी मैयर करना पड़ेगा और वर्क प्रोडक्टिविटी को। तो जितने भी हम लोगों ने अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में वेरिएबल्स रखे होंगे सबको हमने मैयर करना है। और मैयरमेंट एंड मैयर्स के अंदर आता है कि हमने कैसे उनको मैयर करना है। उसके लिए हमारे पास स्केल्स होते हैं, डिफरेंट पैमाने होते हैं जिनके ऊपर जो है हमने मेयरमेंट करनी होती है। स्केलिंग के अंदर हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे, कैटेगराइजिंग में हम लोग देखेंगे, ऑपरेशनल डेफिनेशन स्टडी करेंगे। बास वेरिएबल्स जो है वो बहुत ही मुश्किल से मेयर होते हैं या हो पाते हैं क्योंकि जो उनके पीछे कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत इट इज़ हार्ड टू मेयर। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, आप जो है वो लोगों की हैप्पीनेस को कैसे मेयर करोगे? फिर उसके लिए हमें उस कॉन्सेप्ट को यानी हैप्पीनेस को ऑपरेशनली डिफाइन करना पड़ता है। ये अगले लेक्चर्स में हम जाके स्टडी करेंगे। जाहिर है कि हमारे लेक्चर्स का जो टाइम है और दायरा कार है वो महदूद है। इसमें आज के लेक्चर में हम सिर्फ जो है वो एक दो ही एलिमेंट्स कवर कर पाएंगे, बाकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो होंगे। सो ये हमारा मेयरमेंट एंड मेयर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रिसर्च डिजाइन का, ये आगे जाके कवर होगा। आगे आता है नंबर 6 पे यूनिट ऑफ एनालिसिस यानी के पॉपुलेशन टू बी स्टडीड। छठा एलिमेंट है इसमें हम लोग देखते हैं कि किस लेवल के ऊपर जाके हम डाटा गैदरिंग करते हैं, इंडिविजुअल के ऊपर, डायड्स पे, ग्रुप्स पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे, मशीन्स पे। कौन सा जो सबसे छोटी इकाई है जहाँ पे जाके हम लोग डाटा गैदर करते हैं, दैट इज योर यूनिट ऑफ एनालिसिस। द स्मॉलेस्ट इन दी लेवल ऑफ पॉपुलेशन टू बी स्टडीड, हम किस लेवल के ऊपर जाके जो है वो टेस्ट अप्लाई करते हैं, इंडिविजुअल पे, डायड्स पे, ग्रुप्स पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रुप्स के दरमियान देखना चाह रहे हैं कि दो ग्रुप्स में कोई फर्क है या नहीं है, जैसे मेल और फीमेल के अंदर वेमेन आर मोर मोटिवेटेड देन मैन इन ए सर्टन क्लास, तो फिर हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस हो जाएगा ग्रुप्स। और अगर जो है हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि क्या एम्प्लॉय नॉइस जो नॉइस प्रोड्यूस हो रही है उसके साथ वर्कर प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, तो हम एक एक बंदे के पास जो है वो डाटा गैदर जाके करेंगे और उस पे जाके हम टेस्ट लगाएंगे। तो जब जो है वो एक बंदे से रिकॉर्ड जो है उसके ऊपर टेस्ट होते हैं वो इंडिविजुअल होता है, जो एक ग्रुप के अंदर जो डाटा गैदरिंग होती है उसके ऊपर टेस्ट लगता है वो ग्रुप्स हो जाएगा। आगे चलते हैं, 7वें नंबर पे है सैम्पलिंग डिज़ाइन। और इसके अंदर जो है किन लोगों के पास जाके हम लोगों ने डाटा गैदर करना है, जो लोग हमारी रिसर्च का महवर होते हैं वो पॉपुलेशन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फैक्ट्री वर्कर्स के ऊपर हम लोग जो है वो अपनी रिसर्च कर रहे हैं, तो तमाम जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं, 400 लोग अगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो हमारी पॉपुलेशन होगी। उन्हीं से सिर्फ हमने डाटा गैदर करना है। और फिर जाहिर है कि अगर हमने 400 के 400 लोगों को हमने क्वेश्चन है जो है वो नहीं देने हैं, तो हमने उनमें से भी सिलेक्शन करनी है बाज लोगों की। तो वो बाज लोग कैसे सेलेक्ट किए
किए जाते हैं, ये चीज सैम्पलिंग डिजाइन के अंदर कवर होती है। और उसके तरीका कार है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। तो ये हम जो है वो सैम्पलिंग डिज़ाइन का जब चैप्टर पढ़ेंगे, जब लेक्चर आप देखेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग जो है वो डिज़ाइन करते हैं कि 400 में से या तो प्रोबेबिलिटी हम सैम्पलिंग कर लें, अगर हमने सिर्फ 200 लोगों का डाटा गैदर करना है या 100 लोगों से हमने क्वेश्चन फिल करवाने हैं, तो वो किस तरीके से होते हैं। उसके लिए हमारे पास दो तरीक़ाकार है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और सैम्पल साइज कैसे डिटर्मिन हम लोग करते हैं कि कम से कम इतने लोग होने चाहिए हमारी स्टडी में कि हम जो है वो इस रिजल्ट को सारी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकें। ये चीज़ हम सैम्पलिंग में देखेंगे कि लोगों के पास जाना है वो कौन लोग हैं और किस तरीके से उनके अंदर सिलेक्शन करनी है। राइट, सो सैम्पलिंग डिज़ाइन में ये तमाम चीज़ें कवर होंगी। फिर आगे आता है टाइम होराइजन। मैंने कुछ जिक्र किया था टाइम होराइजन का कि टाइम होराइजन के लिहाज से रिसर्च की दो इकसाम है, एक वन शॉट या क्रॉस सेक्शनल स्टडी और दूसरी है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। जब हम लोगों ने एसपीएसएस और ईव्यूज के बारे में तफसीलात ली थी, मैंने कहा था कि एसपीएसएस जो है वो ज़्यादातर क्रॉस सेक्शनल डाटा के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ई व्यूज जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल डाटा के लिए ज़्यादा मौजू है। तो ये टाइम होराइजन होता है कि हम लोग जो है वो बार बार एक वेरिएबल की रीडिंग्स को स्टडी करना चाह रहे हैं या सिर्फ एक ही बार जो है वो हमने डाटा गैदरिंग की है। जो आमतौर पे कोरिलेशनल स्टडी होती है जो कि हम लोग क्वेश्चनेयर के जरिए से गैदर करते हैं, वो वन शॉट या क्रॉस सेक्शनल होती है। और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के अंदर जो है, जैसे एक कंपनी है उसके पास डेली रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, उसकी स्टॉक प्राइस का भी, एम्प्लॉयज़ जो है वो एक दिन के अंदर कितना काम कर रहे हैं, अगर डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक डाटा गैदर हो रहा है, तो वहाँ पे फिर हमारी स्टडी का टाइम होराइजन क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएगा। तो ये चीज़ हम आगे जाके कवर करेंगे, कौन से पैमाने होते हैं जो कि हमारी स्टडी को वन शॉट या क्रॉस सेक्शनल स्टडी बनाते हैं या फिर इसको लॉन्गिट्यूडिनल बनाते हैं, और किन स्टडीज़ को हमें जो है वो क्रॉस सेक्शनल तरीक़ाकार से करना चाहिए, किन स्टडीज़ को लॉन्गिट्यूडिनल तरीक़ाकार से हमें करना चाहिए। ये चीज़ भी हम रिसर्च डिज़ाइन के आठवें एलिमेंट यानी टाइम होराइजन में देखेंगे। फिर नौवा है डाटा कलेक्शन मेथड। फिर हम जब ये तमाम काम कर चुकते हैं, मेजरमेंट एंड मेजर्स के अंदर अगर हम क्वेश्चनेयर बना रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमने कौन से सवाल भी बनाने, कौन से सवाल बनाने हैं, उनके आगे जो है वो कौन सा स्केल लगाना है। फिर जब हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा तो फिर हम लोगों ने डाटा कलेक्ट करना है। तो एक जो बुनियादी तरीका कार है डाटा गैदरिंग का, वो क्वेश्चन हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, इंटरव्यूज हो सकते हैं और फिजिकल मेजरमेंट हो सकती है। तो डाटा कलेक्शन मेथड्स जो है, जब हम लोग हमें पता चल जाएगा हमारी रिसर्च का टाइम होराइजन क्या है, सैम्पलिंग डिज़ाइन हमने किन लोगों के पास जाके डाटा गैदर करना है, किस लेवल पे जाके डाटा की टेस्टिंग करनी है यानी यूनिट ऑफ एनालिसिस, और हमारे पास सवाल भी बन जाएंगे कि एक वेरिएबल को हमने कैसे मेजर करना है, उसके हमने 10 सवाल बना लिए, उसके आगे स्केल लगा दिए और हमें ये भी पता चल गया कि आया हमारी स्टडी कॉन्ट्राइव्ड है या नॉन कॉन्ट्राइव्ड है, एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है या हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। तो फिर हम क्वेश्चन बना के या और किसी तरीके से डाटा गैदर करेंगे, इनको कहते हैं डाटा कलेक्शन मेथड्स। और आखिर में हम जो है, हमें पता होना चाहिए कि हमने अगर कोरिलेशन प्रूफ करनी है तो फिर हमें कोरिलेशन का टेस्ट लगाना होगा, अगर हमें जो है वो कॉजल स्टडी करनी है फिर हमें रिग्रेशन लगानी होगी, और अगर हमने ग्रुप डिफरेंस मालूम करना है तो फिर हमें टी टेस्ट लगाना होगा। ये आखिर में आएगा टेस्ट एप्लीकेशन, ये चीज़ भी हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए मालूम होनी चाहिए। गुडनेस ऑफ डाटा को जो है वो देखने के भी कुछ
पैमाने होते हैं जिसके अंदर रिलायबिलिटी के जो है वो टेस्ट होते हैं, और इसके अलावा जो आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, क्वेश्चनेयर बनाया है, उसकी वैलिडिटी भी देखी जाती है। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी हम इंस्ट्रूमेंट की यानी क्वेश्चनेयर की कैसे टेस्ट करते हैं, ये चीज़ भी हम टेस्ट एप्लीकेशन में देखेंगे। और फील ऑफ फॉर डाटा के अंदर हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिकल एनालिसिस पढ़ेंगे। तो आगे जो आपकी रिसर्च है वो कुछ ऐसे नज़र आएगी जो कि इस स्लाइड के ऊपर वाजे है। हमने जो है वो हाइपोथेसिस बना लिए, अब इनको टेस्ट करना है, और टेस्ट करने के लिए हमें एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन का मालूम होना, इसका पता होना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम शुरू करते हैं पहले रिसर्च डिज़ाइन के पहले एलिमेंट से यानी पर्पस ऑफ स्टडी से। इसमें शुरू में आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आपका जितना भी रिसर्च डिज़ाइन है वो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के गिर्द रिवॉल्व करता है। आपने जो है अपने प्रॉब्लम को हल करना है, और इन 10 एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन की मदद से आपने उनको हल करना है, ठीक है। हमारे पास जो है वो फर्स्ट एलिमेंट आ गया रिसर्च डिज़ाइन का, पर्पस ऑफ स्टडी या नेचर ऑफ स्टडी भी हम इसको कह सकते हैं। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्पस द रिसर्च हैज़ 4 टाइप्स, जैसे पहले भी स्लाइड में लिखा था, 4 किस्में होती हैं पर्पस के लिहाज से रिसर्च की। पहली स्टडी टाइप है एक्सप्लोरेटरी स्टडी, दूसरी है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, तीसरी है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और चौथी है केस स्टडी एनालिसिस। रिसर्च की पर्पस के लिहाज से 4 किस्में हैं एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड केस स्टडी एनालिसिस, राइट। सो एक्सप्लोरेटरी स्टडी क्या होती है? एक्सप्लोरेटरी स्टडी इज डन व्हेन नॉट मच इज नोन अबाउट दिस सिचुएशन अंडर कंसिडरेशन। एक्सप्लोर आप कुछ कर रहे होते हो, यू आर गोइंग टू डिस्कवर फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट इज हैपनिंग इन द एनवायरमेंट। सो द रिसर्चर्स मोड ऑफ वर्क इज व्हाट, उसका तरीका कार क्या होता है, व्हाट ही एक्चुअली डू इन एक्सप्लोरेटरी स्टडी। द रिसर्चर डू एक्सटेंसिव इंटरव्यूइंग, फोकस ग्रुप स्टडी एंड लाइब्रेरी सर्च। हम लोग जो है वो हाइपोथेसिस इसमें इस स्टडी के अंदर नहीं बनाते हैं, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं अपना टॉपिक, क्योंकि उसके ऊपर स्टडी पहले से नहीं हुई भी होती। तो दैट इज बेसिकली एक्सप्लोरेटरी स्टडी, द रिसर्च डन फॉर जनरली फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन नॉट मच इज नोन अबाउट द सिचुएशन अंडर कंसिडरेशन और फिनोमेना इज द एक्सप्लोरेटरी स्टडी। तो हम लोग जो है हम थ्योरी डेवलप कर लेते हैं, और थ्योरी डेवलप करके यानी कि जिस स्कीम ऑफ स्टडी से आप पढ़ रहे हो, हम लोग स्टेप नंबर 4 पे जाके अपनी रिसर्च को ख़त्म कर देते हैं। एक्सप्लोरेटरी स्टडी में हाइपोथेसिस नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि उससे पहले पहले का काम एक्सप्लोरेटरी स्टडी कहलाता है, क्योंकि हम लोग जो है हमने क्या किया हुआ होता है, इंटरव्यूइंग की होती है, फोकस ग्रुप स्टडी की होती है और लाइब्रेरी रिसर्च की होती है। तो अगर हम लोग स्टेप नंबर 4 पे अपनी रिसर्च को रोक देंगे, तो फिर भी उससे भी हम एक आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं जो कि एक्सप्लोरेटरी स्टडी कहलाएगा, क्योंकि जो है उस फील्ड में इससे पहले ऐसा काम नहीं हो चुका हुआ। अगर हुआ हुआ है तो फिर वो एक्सप्लोरेटरी स्टडी नहीं होगी। इस एक्सप्लोरेटरी स्टडी में जो है वो हम बाद में हाइपोथेसिस बनाए जा सकते हैं, यानी कि अगर किसी ने कोई टॉपिक एक्सप्लोर करना था, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल के साथ समझाता हूँ, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज फॉर वेमेन इन बलूचिस्तान, अगर इस टॉपिक के ऊपर पहले स्टडी नहीं हुई कि जो है वो कारोबार खवातीन किस तरीके से स्टार्ट कर सकती, उनकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं बलूचिस्तान के अंदर,
जो कि सिंगल ख्वातीन है, अगर इस पे पहले स्टडी नहीं हुई हुई तो फिर आप इस टॉपिक के ऊपर स्टडी कर सकते हो। ऐसी स्टडी एक्सप्लोरेटरी स्टडी कहलाएगी, जिसमें फिर हमें बलूचिस्तान के अंदर जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा हम लोग जाके ऐसी ख्वातीन जिन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया है, या जो करना चाहती हैं, या जो इंटरेस्ट नहीं लेती है, उनके पास जाके इंटरव्यूज करेंगे हम लोग। मुख्तलिफ अजला बलूचिस्तान के सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने कहा था सैम्पलिंग डिज़ाइन भी हम लोग बनाते हैं। हम लोग जो है वो उन अजला में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और डाटा गैदर करेंगे कि कौन लोग जो है, कौन ख्वातीन है इस ज़िले के अंदर जो कि ऑन्टरप्रेन्योरियल वर्क कर रही हैं। तो जो कर रही हैं उनके पास जाके हम इंटरव्यू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको अपने काम में कौन से हर्डल्स आते हैं, क्या जो है गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, क्या आपको जो है सोसाइटी सपोर्ट करती है, आपको फाइनेंस का मसला है, किस तरीके का मसला है। हम बहुत सारे इंटरव्यूज करेंगे और उसकी मदद से हम थ्योरी डेवलप करेंगे कि जो एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर वेमेन इन बलोचिस्तान वो डिपेंड करती हैं, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ये डिपेंड करती हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे जो कि हम लोगों ने स्टडी किए होंगे ड्यूरिंग दी इंटरव्यूज़। तो यहाँ पे आके जो है हमारी स्टडी ख़त्म हो जाएगी, हम फर्दर हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करेंगे, मगर जब हम ये आर्टिकल लिख लेंगे और पब्लिश कर देंगे तो फिर आगे आने वाले लोग या हम खुद ही जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी स्टडी में जनरली हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होती, हम लोग जो है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना के तो काम को ख़त्म कर देते हैं। इसके अंदर जनरली क्वालिटेटिव डाटा इज गैदर्ड, ठीक है, इसमें क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो गैदर नहीं होता, नंबर वगैरह गैदर नहीं होते, आगे जो रिसर्च डिज़ाइन का काम है वो नहीं होता। तो जो है एक्सप्लोरेटरी स्टडी करना इस लिहाज से आसान है कि हम क्वालिटेटिव डाटा गैदरिंग करते हैं, इसमें जनरली क्वांटिटेटिव डाटा गैदर नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं है कि क्वांटिटीज हम इसमें डालते ही नहीं हैं, हमें बताना तो पड़ेगा अपने लोगों को, अगर हम आर्टिकल लिखेंगे कि कितनी ख्वातीन जो है बलूचिस्तान में काम कर रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, किस तरीके से ये चेंजेस आई और कौन कौन से हर्डल्स वो फेस कर रही हैं। एक्सप्लोरेटरी स्टडी की जो एग्जाम्पल्स हैं वो एक मैंने आपको बताई, द लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर द वुमेन इन बलूचिस्तान, ये एक बेसिक रिसर्च हम कर सकते हैं, एक्सप्लोरेटरी स्टडी हम कर सकते हैं। देन सिर्फ बेसिक रिसर्च ही एक्सप्लोरेटरी नहीं हो सकती, हम लोग जो है वो एक स्टडी अप्लाइड की भी एग्जांपल देख लेते हैं। एक स्टडी जो है एप्पल कंप्यूटर्स जो है वो कर सकते हैं, वुड देयर बी अ मार्केट फॉर एप्पल्स न्यू विजन डिवाइस इन पाकिस्तान, तो इसके लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो सकती है कि एक नई डिवाइस जो है विजन डिवाइस वो एप्पल कंप्यूटर्स पाकिस्तानी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, क्या लोग इसको लेने में इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसी रिसर्च के अंदर भी हमें पता चल गया, अगर एक्सप्लोरेटरी हुई और जाहिर है कि फर्स्ट टाइम होगी तो जो है वो मार्केट में जाके देखेंगे, लोगों से मिलेंगे रिसर्चर्स और डाटा गैदर करेंगे और उनसे इंटरव्यू ज़्यादातर करेंगे कि उनको जो है वो इस तरह के डिवाइस की ज़रूरत है कि नहीं है, वुड इट बी नीडेड फॉर द पीपल और नॉट, और एंड वॉट इज़ देयर रिएक्शन टूअर्ड्स इट। सो इट इज़ गोइंग टू बी एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी इन द कैटेगरी ऑफ अप्लाइड रिसर्च। द फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज ऑफ बेसिक रिसर्च एंड दिस एग्जाम्पल वुड बी ऑफ अप्लाइड रिसर्च इन द कैटेगरी ऑफ आवर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जैसे मैंने पहले बताया था, लेटर ऑन हाइपोथेसिस कैन बी डेवलप्ड एंड टेस्टेड, एंड सेकेंडली सम फैक्ट्स आर नोन बट मोर स्टडी इज नीडेड टू हैव ए थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम और फिनोमेना। तो इसमें जो है मुकम्मल तौर पे हमें चीज़ें मालूम नहीं होती हैं, लोगों ने इस पे पहले काम नहीं किया हुआ होता, ये अव्वल अव्वल फर्स्ट टाइम दीज थिंग्स आर बींग डन, सो देयरफॉर इट इज़ नोन एज एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी। तो
एक्सप्लोरेटरी स्टडी आपको समझ में आ गई होगी और इसकी डिज़ाइन इसका डिज़ाइन हम कैसे बनाते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा. सो दैट कैन बी एन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन और पर्पस के लिहाज से एक स्टडी टाइप हमने देख ली. आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी. डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिस्क्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन. Descriptive study describes characteristics of variables under consideration. And for example, employee's age in our company. इसके ऊपर जो है वो आप एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर सकते हो या हम लोग कह सकते हैं कि जो एक क्लास है फॉर एग्जांपल एमबीए 3A इसकी क्या कंपोजिशन है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस पे भी एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो सकती है. देन जो फॉर एग्जांपल राइस मिलिंग इंडस्ट्री है इन पंजाब, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस पे एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो सकती है. तो इसके अंदर व्हाट वी जनरली डू इज जनरली क्वांटिटेटिव डाटा इज गैदर्ड. इन एक्सप्लोरेटरी स्टडी क्वालिटेटिव डाटा इज गैदर्ड थ्रू इंटरव्यूज एक्सेट्रा. इन डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्वांटिटेटिव डाटा इज गैदर्ड. सो फॉर एग्जांपल एज ऑफ एम्प्लॉयज में यू नीड टू नो कि हमारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में एज की कितनी कैटेगरीज है, कौन लोग जो है वो पेंशन लेंगे, कौन लोग पेंशन नहीं लेंगे, कितनी पेज उनकी जा रही हैं, एज के लिहाज से हमने कितने सेगमेंट्स बनाए हैं और एज के लिहाज से जो वर्क हो रहा है वो कितने कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो जाहिर है कि इस स्टडी के अंदर हम लोग हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड नहीं इस्तेमाल करते, उसकी नहीं ज़रूरत होती. हम लोग जो है वो ज़्यादातर क्वांटिटेटिव डाटा से अपना काम चलाते हैं और इसको जो है जो रिसर्च आर्टिकल है वो लिखा जाता है और पब्लिश किया जाता है. डाटा इज गैदर टू मेक सिंपल डिसीजंस एंड ऑफर आइडियाज टू प्रोब फर्दर. तो इससे हमें पता चल जाएगा अगर हमने एज ऑफ एम्प्लॉयज पे एक रिसर्च की या हम लोगों ने जो है क्लास कंपोजिशन ऑफ एमबीए 3A या बी के ऊपर रिसर्च की, हमें पता चल जाएगा कि हमारे स्टूडेंट्स कितनी तरह के हैं, किस टाइप के हैं, क्या हमें उनके लिए स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए. तो हम लोग जो है डिस्क्रिप्टिव स्टडी इसलिए भी की जाती है ताकि हम आगे जो है अपना रिसर्च टॉपिक बेहतर तौर पर चुन सकें. सो ये चीज़ें एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी बनाती हैं. आपको शायद मालूम होगा कि स्टैटिस्टिक्स की भी दो टाइप्स हैं, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है, एक इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसके अलावा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें हम आता है मीन मीडियन मोड, और इसके अलावा हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जिसके अंदर आता है रेंज स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस. तो ये चीज़ें जो है हम डाटा क्वांटिटेटिव डाटा गैदर करके उन पे लगा सकते हैं. जब हम सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं अपने डाटा पे, अपने क्वांटिटेटिव डाटा पे, और जो है उसकी मदद से हम लोग मालूम करते हैं फॉर एग्जाम्पल एवरेज एज हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की कितनी है, एवरेज सैलरी कितनी है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, कितना जो है वो लोगों में फ़र्क है. स्टैंडर्ड डेविएशन हमें जो है वो हमारे जो पॉपुलेशन के एलिमेंट्स होते हैं उनमें फ़र्क को बताती है. अगर ज़्यादा हाई होगी स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसका मतलब है उनमें ज़्यादा फ़र्क है, और अगर जो है वो कम होगी तो इसका मतलब है कि मीन से उनकी जो डिस्पर्शन है वो कम है. तो दैट इज़ बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हम देखते हैं कि वेरिएबिलिटी कितनी है, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग देखते हैं कि सेंटर से जो है जो मीन है उससे लोग कितने नज़दीक तर है, मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, और फिर हम रेंज वगैरह भी देखते हैं इसके अंदर.
तो ये चीजें तमाम हमारी कवर होती है डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर। इसके अंदर हम लोग ये वाली स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं। एग्जांपल्स हैं इसकी एमबीए 3B क्लास कंपोजिशन एंड करेक्टरिस्टिक्स SP08। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें इकट्ठे करने होंगे, एज उनकी मालूम करनी होगी, जेंडर, CGPA, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट मेजर ग्रुप्स, कोर्सेज कवर्ड सो फार, कोर्सेज रिमेनिंग टू बी टॉट। तो ये चीजें जो हैं हमारी मिलके बनाएंगी डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ MBA 3B क्लास कंपोजिशन एंड करेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें हम CGPA उनका आ गया, हम एवरेज CGPA भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी लगा सकते हैं, हम इसमें फ्रीक्वेंसी काउंट भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 30 में से 4 लोगों का 3.1 CGPA है। तो जब इस तरह के सिंपल स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस होंगे और हम लोग जो है वो डाटा क्वेश्चनेयर के जरिए से गैदर कर सकते हैं, इसमें रिकॉर्ड्स के जरिए से गैदर कर सकते हैं, मगर उसमें सिंपल नेचर के सवाल होंगे, नाम बताएं अपना, एज, जेंडर, CGPA, कौन सा मेजर है आपका, कौन से कोर्सेज आपने कर लिए हैं, कौन से रहते हैं। इस डाटा को भी हम क्वेश्चनेयर के जरिए से भी गैदर कर सकते हैं, या और मेथड जिसमें हम लोग जो है वो डायरेक्ट जो मैनेज कर रहे होते हैं क्लासेस उनके पास जाके, जो जिनके पास रिकॉर्ड होते हैं उनके पास जाके हम डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा ले सकते हैं। अगली टाइप अगली जो है वो इसमें एग्जांपल है डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज। उनकी हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज की डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर सकते हैं, एडवांसेस इन मिलिंग ऑफ राइस की डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में फिर आप डायग्राम्स भी बनाओगे कि पहले जो है वो ये मशीनें इस्तेमाल होती थी, आज जो है वो आजकल ये वाली मशीनें इस्तेमाल होती हैं, और इस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एडवांसमेंट आई है, पहले जो है वो इतने टन जो है वो प्रोसेस हो जाते थे चावल, अब जो है वो इतने टन हो रहे हैं। सो दैट इज बेसिकली विच प्लेज विद द नंबर्स, विच टेल यू द फेनोमेना इन सम क्वांटिटेटिव फॉर्म, दैट इज ऑल योर डिस्क्रिप्टिव स्टडी। कंपनी कंपेटिटर्स के ऊपर आप एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर सकते हो। दो टाइप्स हो गई जो है रिसर्च पर्पस के लिहाज से हमने पढ़ी, एक एक्सप्लोरेटरी स्टडी, दूसरी डिस्क्रिप्टिव स्टडी। तीसरी टाइप है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और इसके अंदर जाहिर है कि आपको हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपकी रिसर्च जब आपने देखा हम जो प्रोसेस कर रहे हैं बगैर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड के, मगर वो चीज़ हमें सारी की सारी हमारे इलम में होनी चाहिए। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करें तो हमें पूरे स्टेप्स का पता होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव स्टडी करें तो वो भी उसके अंदर भी हमें हेल्प आउट करेगी रिसर्च, हमें पता चलेगा वेरिएबल्स हमने कौन कौन से इकट्ठे करने हैं, एज देखनी है, क्लास कंपोजिशन देखनी है, उस स्टूडेंट की CGPA देखनी है, ये तमाम वेरिएबल्स हैं। तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड चाहे आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करो, चाहे डिस्क्रिप्टिव करो, चाहे हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिसमें सारे के सारे स्टेप्स जो है आपके हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड के लगेंगे, सबके लिए जो है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव पढ़ना अहम है, मुफीद है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही हम शुरू से पढ़ रहे हैं जो कि शुरू होती है ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया से। इसमें नेचर ऑफ सर्टेन रिलेशनशिप्स इज एक्सप्लेन्ड। अब हमने देखा कि हमने जो है वो स्टेप नंबर 4 पे आके हाइपोथेसिस बनाए थे, और हाइपोथेसिस बनाए थे बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स जो कि आपके मौजूद थे इन योर थ्योरी। तो थ्योरी से निकल के आपके वेरिएबल्स आते हैं जिनके दरमियान यू नीड टू नो द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, वेदर ए रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स और नॉट, देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन नॉइज एंड वर्कर प्रोडक्टिविटी, देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय पे एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन। तो जब भी हम जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे
स्टेप वन पे ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया से स्टार्ट करेंगे, फिर प्रिलिमिनरी डाटा गैदरिंग करेंगे यानी क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेशन, वही एक्सप्लोरेटरी स्टडी वाले स्टेप्स, और उसके बाद फिर हम थ्योरी फॉर्मुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस भी बनाएंगे। तो ये आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। तीसरी टाइप है रिसर्च के पर्पस के लिहाज से रिसर्च स्टडी की हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ना सिर्फ सर्टेन रिलेशनशिप्स आर एक्सप्लेन्ड, अब जो है वो आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की भी तीन टाइप्स हैं। हाइपोथेसिस हम लोग जो बनाते हैं, एक तो रिलेशनशिप्स को देखने के लिए बनाते हैं हाइपोथेसिस, कि क्या रिलेशनशिप है या नहीं है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आपने बहुत सारे वेरिएबल्स इकट्ठे किए और देखा कि क्या ये जो है इनका रिलेशनशिप है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, या फिर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी मालूम करते हैं, यानी कि एक ही फैक्टर है जो कि हमारे मसले को की वजह बन रहा है। जैसे कॉज एंड इफेक्ट के अंदर हम लोग कहते हैं कि एक ही वेरिएबल है जो कि हमारे हमारे जो जितना भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल आया है उसको कॉज कर रहा है। जैसे फ्लड कॉस्ट लेस क्रॉप यील्ड इन पंजाब, तो दैट इज बेसिकली ए कॉजल स्टडी, जिसके इसको फिर इसके अंदर हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, कोरिलेशनल स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप है विद द डिपेंडेंट वेरिएबल, मगर हम ये बात नहीं करते कि ये चीज इसको कॉज कर रही है, एक ही चीज है जो इसको कॉज कर रही है। जैसे हाई क्रॉप यील्ड इन पंजाब, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल जो है वो आपकी आपने किस टाइप का प्लांट लिया है, आपने जो है वो कितनी खाद उसमें इस्तेमाल की है, कौन से ट्रैक्ट के ऊपर आपने जो है वो गंदम उगा रहे हो, तो जो है क्रॉप यील्ड जो है इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स की ज़रूरत है। मगर अगर हम एक ही फैक्टर को स्टडी करें, फॉर एग्जांपल हम कहें कि जो फ्लड्स हैं दे कॉस्ट लेस क्रॉप यील्ड, तो फिर हम कॉजल स्टडी करेंगे, क्योंकि एक फैक्टर जो है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कॉज करता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि कोरिलेशनल के अंदर हम सिर्फ रिलेशनशिप कह रहे होते हैं कि ये चीज़ है जो कि एक फिनोमिना के मूजिब होने का बायस बन रही है। जैसे एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को अगर हम स्टडी करना चाहें तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, और उनके दरमियान सिर्फ फकत हम रिलेशनशिप को देखेंगे कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पेस पे भी डिपेंड करती है, उनको अगर हम अच्छा वर्क एनवायरनमेंट दें उस पर भी डिपेंड करती है, उसके साथ भी रिलेशनशिप है, देन जो है वो कितने दूर रह रहे हैं, उनका जो घर है वो वर्क प्लेस से कितने फासले पे है, इस पर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी जो है वो इसका दारोमदार है। तो दैट इज बेसिकली जिसमें हम बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स स्टडी करते हैं, जो कि हम बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनमें हम रिलेशनशिप असल में देख रहे होते हैं कि इनके दरमियान रिलेशनशिप है। जब हम एक ही फैक्टर को स्टडी करते हैं तो और कहते हैं साथ में जो है वो कॉज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अटैच करते हैं कि इफ वी इंक्रीज नॉइस देन इट कॉजेस लो वर्कर प्रोडक्टिविटी, तो फिर वो हमारी कॉजल स्टडी हो जाती है। तो इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कॉजल स्टडी भी करते हैं हम लोग, और रिलेशनशिप वाली स्टडी भी करते हैं। अगली स्लाइड से मजीद वाजे हो जाएगा कि इन दोनों में क्या फर्क है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए गिवन सिचुएशन, ये चीज़ हम जो है कोरिलेशनल स्टडी में हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जो एक टाइप है उसके अंदर देखते हैं। हाउ मच ए प्रॉब्लम विल इंक्रीज डिक्रीज बाय ए फैक्टर और ए वेरिएबल, कितना जो है वो एक वेरिएबल के बढ़ाने से मसला हमारा बढ़ जाएगा या कितना हमारा कम हो जाएगा, ये चीज़ भी हम देखते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। देन तीसरी टाइप है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, एक है कॉजल स्टडी, दूसरी है कोरिलेशन जिसमें सिर्फ रिलेशनशिप देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट नहीं देखते।
तीसरी है डिफरेंस अमंग ग्रुप्स, और डिफरेंस अमंग ग्रुप्स के अंदर विमेन आर मोर मोटिवेटेड देन मैन, तो इसका भी हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं, इस तरह की भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। एग्जाम्पल्स हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, इफ वी इंक्रीज द इम्प्लॉय बेनिफिट्स देन लॉयल्टी विद द ऑर्गेनाइजेशनल विल इंक्रीज, ये देखने के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गन्स इन सोसाइटी, इसके ऊपर हम जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाली स्टडी कर सकते हैं। और हम लोग जो है स्टेप वन ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया से चलेंगे, और फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर रिसर्च डिजाइन, फिर डाटा गैदर करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे। मोर मेन देन विमेन आर एडिक्ट्स इन ए सर्टन लोकेलिटी इन पिशावर फॉर एग्जाम्पल, तो इसके लिए भी फिर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे और फिर हम क्वांटिटेटिव डाटा गैदर करेंगे, और उसकी मदद से हम अपना हाइपोथेसिस को सेलेक्ट या रिजेक्ट करेंगे। ये डिफरेंस अमंग ग्रुप्स की कैटेगरी में आएगी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। एंड जो है आखिरी एग्जाम्पल है, द लास्ट एग्जाम्पल इज मैरिटल स्टेटस एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी आर रिलेटेड, तो हम जो है वो ये रिलेशनशिप वाली स्टडी भी जो है हम दो फैक्टर्स के दरमियान कर सकते हैं। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, इसके अंदर जो है आमतौर पर 7 स्टेप्स ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड जो है वो फॉलो किए जाते हैं। अगर ये कोरिलेशनल स्टडी है और कॉजल स्टडी है, ये दो टाइप्स होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। इसके अलावा ग्रुप टेस्ट, ग्रुप डिफरेंस मालूम करने के लिए भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है। तो जो है यहां पे हमने तीन टाइप्स देख ली अपनी रिसर्च की। चौथी है केस स्टडी एनालिसिस, और केस स्टडी एनालिसिस के अंदर जो है हम लोग एक कंपनी को स्टडी करते हैं और उसके अंदर देखते हैं हाउ सिमिलर प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ द मैटर इज डन। फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट की कोहिनूर मिल्स पिंडी के अंदर, वहाँ पे कैसे काम होता है, कितने एम्प्लॉयज हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी बन जाएगी। मगर ये केस स्टडी एनालिसिस भी होगी क्योंकि हमने सिर्फ एक कंपनी को देखा है, जहां पे चाहे डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो चाहे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड हो, हमने सिर्फ एक कंपनी में लगाया होता है, वो केस स्टडी एनालिसिस होता है, और उसकी मदद से हम केसेस लिखते हैं, और केस लिख के हम बाज केस के स्पेसिफिक जर्नल्स हैं उनमें सेंड करते हैं, वहां पे ये आर्टिकल्स छपते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, स्टारबक्स कैफे है अमेरिका में, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और उसके ऊपर किसी ने केस स्टडी एनालिसिस की कि वहाँ पे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज के क्या प्रोसीजर्स हैं, तो उसने उस कंपनी को स्टडी किया, जाके देखा किस तरीके से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दी जाती है, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, कैसे वर्कर्स आते हैं, किस तरीके से कितना अर्सा वो ट्रेनिंग लेते हैं, 20 दिन की इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, फिर उनकी एक एकेडमी भी है जो उन्होंने बनाई हुई है अपने वेटर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, वहाँ पे उनको सेंड करते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ाते हैं, किस तरीके, कौन से सबक उनको देते हैं, कॉफ़ी के बारे में क्या बताते हैं, क्योंकि स्टारबक्स इज बेसिकली कॉफ़ी की सेल आउट ब्रांचेस हैं, वहाँ पे कॉफ़ी के नाम उनको बताए जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्योंकि एक कंपनी पे ये रिसर्च हुई, लिहाजा ये केस स्टडी कहलाएगी। इसी तरीके से अगर मैंने एक ही कंपनी में जो है वो ये स्टडी करने की कोशिश की है कि एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, और उसके अंदर मुझे बहुत सारे फैक्टर्स मिले हैं एक ही कंपनी से, और हालांकि मैंने हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड पूरा लगाया, फिर भी वो केस स्टडी ही रहेगी। इसमें जो केस स्टडी एनालिसिस होता है, इसके अंदर जो है वो जनरलाइजेबिलिटी जो है वो लो होती है, इससे हम बहुत सारे सबक सीख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है हाउ सिमिलर प्रॉब्लम्स वर सॉल्व इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अब हमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में पता चल गया कि स्टारबक्स कैफे में कैसे दी जाती है, वो एक सक्सेस स्टोरी है। अगर हम लोग भी अपने एम्प्लॉयज को ऐसे ट्रेन और डेवलप करें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी फल फूल सकती है, सक्सेसफुल हो सकती है।
तो केस स्टडी से भी हम बहुत सारे सबक हासिल कर सकते हैं, मगर इसमें जनरलाइजेबिलिटी जो है वो निस्बतन कम होती है। कंटेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ द मैटर इज डन, असल में जो है एक कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें जो है वो देखने के अंदर मिली। जब रिसर्चर गया वहाँ पे तो केस स्टडी एनालिसिस भी आप कर सकते हो। ये डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी एनालिसिस भी हो सकता है और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड के साथ भी हो सकता है। तो रिसर्च की हमने जो है वो चार एग्जाम देखी पर्पस के हवाले से, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा देखी एक्सप्लोरेटरी स्टडी जो कि क्वालिटेटिव इन नेचर होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी देखी जो कि क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखी जो कि मैंने बताया कि आगे से ये तीन टाइप्स के आप हाइपोथेसिस बना सकते हो, एक ग्रुप्स को डिफरेंशिएट करने के, एक कोरिलेशनल और कॉजल, और चौथी हम लोगों ने केस स्टडी एनालिसिस पढ़ी। अब टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिफरेंशिएट करती है बिटवीन कॉजेस, कॉजल वर्सेस कोरिलेशनल स्टडी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम जो हाइपोथेसिस है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के भी बना सकते हैं, जिसमें जो हाइपोथेसिस है उसमें कॉज का लफ्ज आएगा, जैसे नॉइज कॉजेस लो वर्कर प्रोडक्टिविटी, तो आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कॉजल हो जाएगी। और इसके अंदर जो रिसर्च डिजाइन का तरीका कार है वो डेटा मुख्तलिफ तरीके से गैदर किया जाएगा, जिसमें मॉडरेट से एक्सेसिव इंटरफेरेंस होगी रिसर्चर की, और नॉन कॉन्ट्राइव्ड सेटिंग्स में हम लोग डेटा गैदर करेंगे। तो कॉजल स्टडी के लिए रिसर्च डिजाइन और बनता है, जिस भी हाइपोथेसिस में कॉज का लफ्ज आ जाए कि ये वेरिएबल हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को कॉज कर रहा है, हम कहते हैं डस स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, तो फिर हमारी जो है वो स्टडी कॉजल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। और इसके अंदर हमारे पास जो है वो एक ही वेरिएबल होता है, हमने जो है वो इसको भी सेवन स्टेप्स के जरिए से हम फॉलो करते हैं, मगर हमें एक ही वेरिएबल मिलता है जो कि हमारे इन डिपेंडेंट वेरिएबल को कॉस कर रहा होता है। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स जो है वो कॉस कर रहा है वाई को। हाई इंटरेस्ट रेट कॉजेस पीपल टू सेव मनी, जहां पे कॉस का लफ्ज आ गया आपकी आपके हाइपोथेसिस में, वो आपकी कॉजल स्टडी बन गई। अब इसके मुकाबले में कोरिलेशनल स्टडी, अब कॉजल स्टडी के अंदर जो है हम लोग इसको प्रूव करते हैं, जाहिर है मैंने पहले भी बताया था आपको, रिग्रेशन की मदद से, और ये मुख्तलिफ तरीके से की जाती है। इसमें ज़्यादा इंटरफेयर करता है एनवायरनमेंट में। हम कैसे करते हैं कॉजल स्टडी, हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में देखेंगे, मगर इन्वेस्टिगेशन टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग दो तरीके से बनाई जाती है, जिसमें एक ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और वो कॉज कर रहा हो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को, वो कॉजल स्टडी कहलाती है, जैसे स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। इसके मुकाबले में कोरिलेशनल स्टडी वो स्टडी है जो कि हम कहते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स विच कैन कॉज कैंसर, तो फिर हमारी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर इन दिस सोसाइटी। अगर हम बहुत सारे फैक्टर्स पे अगर हम स्टडी करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जिसमें स्मोकिंग भी हो सकती है, पोल्यूशन भी हो सकती है, फूड भी हो सकती है, एनवायरनमेंट भी हो सकती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे हमने हमें जो है वो पता चले, बहुत सारे फैक्टर्स पता चल रहे हैं, फिर हम जाके जो है वो मिनिमल इंटरफेरेंस के साथ क्वेश्चन के साथ जाके डाटा गैदर कर रहे हैं, तो ये हमारी कोरिलेशनल स्टडी होगी। अगले स्लाइड में कोरिलेशनल स्टडी बताई गई है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं हमने आइडेंटिफाई किए हुए होते हैं और उनकी रिलेशनशिप हम जो है वो देख रहे होते हैं विद दी फिनोमिना या विद आवर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड विद दी प्रॉब्लम और फिनोमिना इज डन इन कोरिलेशनल स्टडी, जैसे व्हाट मेक्स पीपल टू हैव गन्स इन सोसाइटी बिकॉज ऑफ उसकी जो है वो बहुत सारी वजूहात हो सकती है,
जैसे पुलिस फोर्स का ना मौजूद होना, इनसिक्योर लोगों का फील करना, देन जो है उनके पास पैसा आ जाना, देन अवेलेबिलिटी एमुनिशन की. तो व्हेन देर आर मैनी फैक्टर्स विच माइट हैव ए रिलेशनशिप विद आवर प्रॉब्लम, जब हम बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हैं तो वो कोरिलेशनल स्टडी हो जाती है, और इसका डिज़ाइन जाहिर है कि मुख्तलिफ तरीके से बनता है, जो कि हम देखेंगे. यार स्मोकिंग एंड कैंसर रिलेटेड, ये भी कोरिलेशनल स्टडी होगी, जिसमें हम सिर्फ रिलेशनशिप की बात करेंगे कि स्मोकिंग को इंक्रीज करने से कैंसर जो है वो उसमें ज्यादती होती है या कमी आती है. इधर हमने कॉज का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, कॉजल का फिर हमें डिज़ाइन मुख्तलिफ तरीके से बनाना पड़ेगा. आर स्मोकिंग ड्रिंकिंग च्यूइंग टोबैको एसोसिएटेड विद द कैंसर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो ये भी हमारी कोरिलेशनल स्टडी होगी. रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान, रीजंस हैं तो इसका मतलब है बहुत सारे हैं, वजूहात हैं, ऐसा हमारा टॉपिक है, तो ये कोरिलेशनल स्टडी होगी. Effects of earthquake on the property buying behavior, that might be a correlational study. जहाँ पे हम बहुत सारे फैक्टर्स और वेरिएबल स्टडी करते हैं और आपस में सिर्फ रिलेशनशिप देखते हैं. रिलेशनशिप क्या है? एक वेरिएबल बढ़ रहा है जिसके साथ साथ दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है. ये फर्क है कोरिलेशनल और कॉजल में. कोरिलेशन हमें सिर्फ ये, जब हम कोरिलेशन लगाते हैं, जाहिर है कोरिलेशनल स्टडी पे कोरिलेशन का टेस्ट लगाते हैं, तो हमें जो है वो सिर्फ ये मालूम होता है कि एक वेरिएबल जब बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी उसके साथ साथ बढ़ा हुआ मिलता है. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली कोरिलेशनल. इसमें हम ये नहीं कहते कि एक चीज दूसरे को कॉज कर रही है या इसके होने से ये चीज होती है. ये चीज़ हम सिर्फ रिग्रेशन के जरिए से मालूम कर सकते हैं, और ये कॉजल स्टडी में होती है, जिधर एक ही वेरिएबल होता है. फिर हम जो है वो अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि एक जैसे मलेरिया जो मर्ज है वो उसके मच्छर के काटने से होता है, तो जो मॉस्किटो है दैट कॉजेस मलेरिया टू अकर, तो फिर हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. कॉजल स्टडी में हमेशा एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसके अंदर फिर हम लोगों के ग्रुप्स बना देंगे और बाज़ लोगों को ऐसी इन्वायरमेंट में रखेंगे जहाँ पे मलेरिया के मच्छर होंगे, बाज़ लोगों को ऐसी इन्वायरमेंट में रखेंगे जो मच्छरों से पाक साफ होगी, और फिर हम देखेंगे कि जो है वो उनकी सेहत के ऊपर क्या असर पड़ा. तो ये कॉजल स्टडी होगी जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, लोगों के ग्रुप्स बनाएंगे, और इसमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा इस सिलसिले में मॉस्किटो हो जाएगा. मॉस्किटो को जो है हम लेके आएंगे और एक जगह पे हम जो है वो उनको रखेंगे और देखेंगे कि उस वो क्या कॉज करें, जहाँ पे जिस एनवायरनमेंट में मच्छर थे क्या वहाँ पे मलेरिया कॉज हुआ या उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे मच्छर नहीं थे. तो दैट इज़ बेसिकली हाउ इट इज़ डन. सो कॉजल स्टडी का तरीका एक मुख्तलिफ है. कोरिलेशनल अगर होती तो हम स्टडी करते कि जो है वो बुखार की क्या क्या वजूहत है, तो फिर हम जो है वो डाटा गैदर करते, इंटरव्यूज़ करते, और जो है वो डॉक्टर्स के पास जाते, तो वो हमें बताते कि इन इन चीज़ों से जो है वो बीमारी फैलती है, और जैसे जैसे ये चीज़ें जो है इन्वायरमेंट में बढ़ती हैं वैसे वैसे ये जो बुखार है ये भी हमारी इन्वायरमेंट में या इसके मरीज़ ज़्यादा होते हैं. तो एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ का लिंक है. जब सिर्फ लिंक या रिलेशनशिप देखी जाती है तो वो कोरिलेशनल स्टडी होती है, और जब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक वेरिएबल का दूसरे के साथ देखा जाता है तो वो कॉजल स्टडी बनती है. इस तरीके से हम जो है वो कॉजल स्टडी भी कर सकते हैं और कोरिलेशनल भी कर सकते हैं. अगर बहुत सारे वेरिएबल्स हमने गैदर करने हैं तो वो कोरिलेशनल स्टडी उसमें देखी जाती है. फिर हाइपोथेसिस एस्टेब्लिशिंग ग्रुप डिफरेंस, इस तरह के भी हाइपोथेसिस होते हैं. एस्टेब्लिश डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, दैट इज मेल वर्सेस फीमेल स्मोकिंग करेक्टरिस्टिक्स. तो फिर हम हाइपोथेसिस ऐसा बनाएंगे कि जो है वो
क्या मेल ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या फीमेल ज़्यादा करती हैं, दोनों का अलहदा से डाटा गैदर करेंगे और जो है वो मैच करेंगे कि क्या ग्रुप डिफरेंस है या नहीं है। डिफरेंस बिटवीन नाइट एंड मॉर्निंग शिफ्ट एम्प्लॉयज़, इसके अंदर भी जो है हम लोग टी टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे कि क्या नाइट की शिफ्ट वाले ज़्यादा काम करते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट वाले ज़्यादा काम करते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन सीनियर एंड मिडिल मैनेजमेंट ग्रुप्स, जब हम ग्रुप डिफरेंस को देख रहे होते हैं तो ये भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही कर रहे होते हैं, मगर इधर जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको हाइपोथेटिक और डिडक्टिव मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस इधर जो है आपने क्वांटिटेटिव डाटा गैदर करना है दो ग्रुप्स का और उसको टेस्ट करना है। सो दैट इज बेसिकली ऑल फॉर टुडे। वी हैव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो है वो हाउ मैनी एलिमेंट्स देर आर, देर आर बेसिकली 10 एलिमेंट्स इन रिसर्च डिज़ाइन। उनको आप बहुत पढ़ें देखें और समझें। दैट इज़ बेसिकली हम लोगों ने प्रिलिमिनरी तौर पे जो है वो दो एलिमेंट्स इस लेक्चर के अंदर देखे। एक एलिमेंट था पर्पस के लिहाज से रिसर्च की टाइप्स, जिसमें हम लोगों ने देखा कि रिसर्च की जो है वो चार एग्ज़ाम होती हैं। चार एग्ज़ाम कौन कौन सी होती हैं? एक्सप्लोरेटरी स्टडी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड केस स्टडी एनालिसिस। और फिर हमने टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर देखा कि जो है वो हाइपोथेसिस, हम लोग तीन तरह की हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी आगे से तीन तरह की होती है। एक कोरिलेशनल स्टडी होती है जिसमें हम बहुत सारे फैक्टर स्टडी करते हैं और उनका सिर्फ रिलेशनशिप देखते हैं विद डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरी कॉजल स्टडी होती है जिसके अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो मालूम कर रहे होते हैं, और तीसरा जो तीसरे टाइप के जो स्टडी होती है वो उसमें हम हाइपोथेसिस बनाते हैं टू एस्टेब्लिश ग्रुप डिफरेंस, यानी कि मेल और फीमेल प्रोडक्टिविटी में क्या फ़र्क है, इनकी मोटिवेशन लेवल में क्या फ़र्क है, सीनियर और मिडिल जो आपके मैनेजर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी में क्या फ़र्क है, उनकी एक्टिविटीज़ में क्या फ़र्क है। तो इधर जो है वो मुख्तलिफ टेस्ट लगाए जाते हैं। तीनों हाइपोथेसिस जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जो तीनों टाइप्स हैं, इसमें डिफरेंट टेस्ट भी लगते हैं, इस वजह से भी हम ये तमाम चीज़ें रिसर्च डिज़ाइन में कवर कर रहे हैं। कोरिलेशनल स्टडी जब होती है, हम आगे चल के कोरिलेशन का टेस्ट लगाते हैं ऐसे हाइपोथेसिस पे। जब कॉजल स्टडी होती है फिर रिग्रेशन का टेस्ट लगाते हैं, और जब ग्रुप डिफरेंस हम लोग देखना चाहते हैं तो फिर हम टी टेस्ट और इनोवा लगाते हैं, ये वाले टेस्ट लगाते हैं। तो लिहाजा जो है वो टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से जो रिसर्च है उसकी दो एग्जाम है, कॉजल वर्सेस कोरिलेशनल, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी जो है इसकी एक फॉर्म है इन्वेस्टिगेशन की। इसके अंदर भी हम लोग जो है ग्रुप डिफरेंस को देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली स्लाइड्स के अंदर अगले लेक्चर्स में हम इसी रिसर्च डिज़ाइन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।